हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज सुनील वर्मा। थैंक्स फॉर लाइक एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड थैंक्स फॉर सपोर्ट। तो फ्रेंड्स, आज ना तो हम वेट गेन के बारे में बात करेंगे, नहीं वेट लॉस के बारे में, और नहीं अल्टीमेट न्यूट्रिशन के बारे में। आज हम बात करेंगे ड्राई फ्रूट्स के बारे में, जो बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हमारे जो मेन ड्राई फ्रूट हैं, काजू, बादाम, अखरोट, मूंगफली, इनके बारे में बात करते हैं। ड्राई फ्रूट जाने जाते हैं हेल्थी फैट्स के लिए। इनके अंदर फैट होता है, लेकिन वो काफ़ी हेल्थी फैट होता है, जिसे आप मूफा पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के नाम से या फिर मूफा मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के नाम से जानते हैं, और ओमेगा 3 जो कि एक एसेशनल एमिनो एसिड है। आप सबको पता है एमिनो एसिड दो तरह के होते हैं। पहला एसेशनल एमिनो एसिड, जो कि हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है, इन्हें हमें फूड्स, ड्राई फ्रूट्स या नट्स के द्वारा लेना होता है। और दूसरा नॉन एसेशनल एमिनो एसिड, जो कि हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, तो इसके लिए हमें किसी फ्रूट के द्वारा इसको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी इसे प्रोड्यूस कर रही है। ड्राई फ्रूट्स या नट्स में हाईली अनसेचुरेटेड फैट होता है, जो कि हेल्थी फैट है, और ये हमारी बॉडी और हमारे हेल्थी हार्ट दोनों के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। अब एक बार में या एक सर्विंग में हमें कितने ड्राई फ्रूट लेने हैं? तो काजू, बादाम, अखरोट, मूंगफली, इनकी एक सर्विंग 28 ग्राम की होगी। और अगर आपके पास फूड कैलकुलेटर है तो काफ़ी अच्छी बात है, और नहीं है तो आप इसे अमेजन से ले सकते हैं। ये करीब 350 से 400 के आसपास आपको मिल जाएगा। इसका जो भी बेस्ट बाय लिंक होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप फूड कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपको दो तरीके बताता हूँ, जिनसे आप पता कर सकते हैं कि एक सर्विंग कितनी होगी। पहला तरीका, आपकी एक मुट्ठी में जितने ड्राई फ्रूट्स आते हैं वो एक सर्विंग होगी, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रहे कि ड्राई फ्रूट्स आपकी मुट्ठी से बाहर नहीं आए। और सबसे बेस्ट तरीका, आप एक चाय का छोटा कप लें, इस कप का 1/4 यानी इसके आधे का भी आधा, ये आपकी एक सर्विंग होगी। अब हम बात करते हैं कि एक दिन में ड्राई फ्रूट्स की कितनी सर्विंग हम ले सकते हैं। आप दिन भर में 2 सर्विंग ड्राई फ्रूट की ले सकते हैं, और अगर आप इसे ज़्यादा ले रहे हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ड्राई फ्रूट्स में हाई कैलोरी होती है और ये खाने में काफ़ी टेस्टी होते हैं, तो लोग इन्हें ज़्यादा भी खा लेते हैं। और अगर आप 2 सर्विंग से ज़्यादा लेते हैं तो आपके वेट बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए आप 2 सर्विंग से ज़्यादा ना लें। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि मैंने मेरे फिटनेस सेंटर में एनालाइज किया है कि 80-90% लोग डायरेक्ट ड्राई फ्रूट कंज्यूम करते हैं। अगर आप विंटर्स में ड्राई फ्रूट ले रहे हैं तो आप उन्हें डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप समर्स में ड्राई फ्रूट ले रहे हैं तो उन्हें हमेशा पानी में भिगो कर लें। अगर आप इन्हें पानी में भिगो कर लेंगे तो ये आपकी बॉडी को ज़्यादा बेनिफिट देंगे। इसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि समर्स में काफ़ी गर्मी होती है और हमारे ड्राई फ्रूट्स की तासीर भी काफ़ी गर्म होती है, और पानी में भिगो के रखने से इनकी तासीर नॉर्मल हो जाती है। तो समर्स में आप ड्राई फ्रूट्स हमेशा पानी में भिगो कर कंज्यूम करें। सभी ड्राई फ्रूट्स का अलग अलग टाइम होता है पानी में भिगो कर रखने का। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं आपको बताना भूल गया, अगर आप ज़्यादा ड्राई फ्रूट कंज्यूम करते हैं तो इससे आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, और साथ ही आपका पेट भी ख़राब हो सकता है। तो अब बात करते हैं कौन सा ड्राई फ्रूट कितनी देर पानी में भिगो कर कंज्यूम करना सही रहेगा। तो सबसे पहले हम बादाम को लेंगे। बादाम सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, इसे हमें कम से कम भी 12 घंटे पानी में भिगोकर रखना है और सोने के 1 घंटे पहले लेना है। और दूसरा हम लेते हैं काजू। मैं जब भी काजू का नाम लेता हूँ तो लोग यही कहते हैं कि क्या काजू को भी पानी में गला के खाते हैं। अगर आप काजू को बिना गलाए खा रहे हैं और आप बीपी के पेशेंट हैं तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। और काजू को आप 6 घंटे पानी में भिगोकर रखें, और इसे आप दिन भर में कभी भी ले सकते हैं। और तीसरा आता है हमारा अखरोट। अखरोट को कम से कम भी 8 घंटे आपको पानी में गला के रखना है, इसे आप सोने के 1 घंटा पहले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद लास्ट हमारी मूंगफली। मूंगफली को कम से कम भी आप 8 घंटे पानी में भिगो कर रखेंगे और इसे आप सुबह कंज्यूम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ईट हेल्दी, लिव हेल्दी।